आज हमें रॉक कॉन्सर्ट देखना था और क्या देखने मिला? सिर्फ रॉक। रिलैक्स मीको, शो शुरू होने में 2 घंटे बचे हैं। पता है मैं कब से स्लैश मंकी का इंतजार कर रही हूँ? बरसों से। ये उनका यूएस का आखिरी शो है। हैरानी की बात है, मतलब इतना बड़ा बैंड, इतने चाहने वाले और सिर्फ एक शो। देखने से लगता है माइंड खाली कर दी गई थी। लेकिन मुझे सिग्नल मिल रहा है, हल्का है, पर ये है एनर्जॉन का ही। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ का काम तो 4-5 साल पहले बंद हो चुका है और डिसेप्टिकॉन्स एनर्जॉन कभी नहीं छोड़ेंगे। गाइस, कूल! वो अंदर चली गई? यकीन नहीं होता। सच में? तुम उसे जानती नहीं हो क्या? मीको, वापस आओ। वैसे देखने में मजा आएगा ना, मतलब अगर कोई खतरा ना हो तो। एक खाली पड़ी माइंड किसी भी वक्त ढह सकती है जैक। मैं ज्यादा शोर नहीं करूंगा, बस अपनी मॉम को मत बताना। मेगाट्रॉन, मुझे आपके फैसलों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, लेकिन हम इतने सालों बाद यहाँ वापस क्यों आए हैं, वो भी अकेले? हमने इस माइन में एनर्जॉन का एक दाना भी नहीं छोड़ा था। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बात है तो जांच कर लेते हैं। क्या बात है, ये जगह मेरे रिहर्सल के लिए बिल्कुल बढ़िया है। हेलो हेलो मेरे फैंस, तो शो शुरू किया जाए। आरसी, कुछ मिला है? बल्कहेड, बल्कहेड, आवाज आ रही है। अब क्या करें, इन गुफाओं में कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा। वैसे यहाँ का अकूस्टिक कुछ खास नहीं है। सिग्नल यहीं का है। रैचेट के लिए सैंपल ले लेता हूँ। अधूरा है। आप सब काम चोर हैं। इन मशीन्स को वापस ले जाना चाहिए था। ये अब तक यहाँ क्यों पड़ी हैं? मेरा भी यही सवाल है। मुझे माफ कीजिए मास्टर, इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी साउंड वेव को दी गई थी। लेकिन सच तो ये है कि आपकी गैर हाजिरी में काम का सारा भार मुझ अकेले पर आ गया था, इसलिए छोटी मोटी गलतियां होती रही। वो तो दिख रहा है। क्या कहा था, एनर्जॉन का एक भी दाना नहीं बचा? लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे, कि तुम ये सारा एनर्जॉन अपने निजी मकसद के लिए बचा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो?
शुरू से तुम्हारे षड्यंत्रों पर मेरी नजर है। ना सिर्फ तुमने मेरे सीने से डार्क एनर्जॉन को उखाड़ा, बल्कि मुझे खत्म करने की नाकाम कोशिश भी की और खुद ही मुर्दों की फौज बनाने की जुर्रत भी की। उसी दौरान तुमने अपना एक हाथ भी खो दिया, जिसे तुमने हाल ही में बदला है। आप ये सब जानते थे? साउंड वेव से कोई बात नहीं छुप सकती, ये तुम भी जानते हो। असल में स्टार स्क्रीम, तुम्हारी दगाबाजी के बावजूद मैंने तुम्हें जिंदा रखा, क्योंकि मुझे देखना था कि तुम किस हद तक जा सकते हो। लेकिन अब तुम्हारी हर चाल घिसी पिटी हो चुकी है, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। मास्टर, नहीं, बस एक मौका और दीजिए, मैं भीख मांगता हूँ। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं स्टारस्क्रीम, तो फिर तुम्हें मौका देने का क्या फायदा? आरसी, आरसी, कहां फंस गए? क्या ये मेरी वजह से हुआ? लगता तो नहीं है। तुम ठीक हो? हाँ, क्या तुम ठीक हो? एकदम फिट। घबराओ मत मीको, मैं इसे गिरने नहीं दूंगा। गुफा के गिरने की क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, बस आरसी और जैक भी सलामत हो, क्योंकि हमें मदद की जरूरत है। तुम बस चट्टान को रोक कर रखो, मैं रास्ता बनाती हूँ। Ha ha ha!
मेरी चाल खीसी पीटी है हाँ। यही इल्जाम लगाया था ना मास्टर, तो अब बताइए किसके जाने का वक्त आ गया है। क्या कहा? मुझे माफ कीजिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अलविदा लॉर्ड मेगाट्रॉन, अब आपके आराम करने का वक्त आ गया है। लेकिन वो कई बार मौत को धोखा दे चुके हैं, अगर वो बचने में कामयाब रहे तो इस सब की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी और फिर मैं उनके कहर से नहीं बच पाऊंगा। उनके चमचे उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे और इनाम के हकदार बन जाएंगे, उस इनाम के जो मुझे मिल सकता है। मेगाट्रॉन! हर्षी, बल्कहेड, मीको, काम की चीज लगती है। पीको, मैं कर सकती हूँ। नहीं कर पाओगी, मुझे बस थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। मीको, मेरी बात सुनो, यहाँ पर हवा बहुत कम है, ऑक्सीजन को इतनी तेजी से इस्तेमाल करोगी तो हमारा दम घुट जाएगा। हमारा नहीं मीको, तुम्हारा। ऑटोपॉट सांस नहीं लेते, याद है ना? अरे हाँ, तुम तो स्पेस से आए हो ना। क्या बात है। ठीक है, अगर मैं धीरे काम करूंगी तो कम सांस लूंगी। नहीं, मेरी बात मानो और रुक जाओ। नहीं रुक सकती, हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। निको, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं ठीक हूँ। आवाज सुन रही हो? ये आवाज तो ड्रिलिंग की है, जरूर आरसी या जैक होंगे। हम यहाँ पर हैं, यहाँ। मीको, एक पत्थर लो और उसे मेरे पैर पर पटको, इतना कर पाओगी? मैं जितना दिखता हूं उससे बहुत ज्यादा मजबूत हूं, जोर से पटकना। मेरे ख्याल से तुम्हारे साथी तो बचे नहीं होंगे, इसलिए उनकी मदद करना तो फजूल होगा, समझे तुम? इसलिए मौके का फायदा उठाओ और इस ड्रिल से मुझे खत्म कर दो। यकीनन तुम्हें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सबको तुम पर गर्व होगा, मौके का फायदा उठाओ। ऑप्टिमस जरूर उठा था। नहीं, कभी नहीं, इस तरह नहीं। मैं इस दिन का जिक्र ऑप्टिमस से जरूर करूंगा जिस दिन मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। बहुत अच्छे।
ये क्या था? कुछ नहीं, चलो पटकती रहो। बकेट, क्या हो रहा है बताओ मुझे। मेरे हाथ अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हाथ दुख रहे हैं? थोड़े से। बकेट, वो नजदीक है, उन्हें हमारे बारे में पता चलना चाहिए। चलो मारो मुझे। मीको जल्दी करो। क्या वो और पास आ गए? मैं बता नहीं सकती, यहाँ पर हर आवाज एक जैसी लगती है। वो आ गए। आरसी ने हमें ढूंढ लिया। आपका वफादार गुलाम खिदमत में हाजिर है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मीको, मेरे पीछे आओ जल्दी। वाह वाह, यहाँ बल्कहेड और उसके पालतू इंसान भी हैं। अरे हाँ, तुम ऑटोबॉट्स कभी खाली हाथ नहीं रहते ना। मेरे साथ जो चाहो कर लो स्टारस्क्रीम, लेकिन इस बच्ची को जाने दो। नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लगता है इसका जाने का मन नहीं है। स्टारस्क्रीम, मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें बड़े रोबोट्स के साथ खेलना पसंद है ना बच्ची? बहुत हुआ ऑटोबॉट, मैं तुम्हें क्या करोगे? मुझे मारोगे ताकि हम सब इस चट्टान के नीचे दब जाएं। भागो मीको। हाँ भागो मीको, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे भागती हो सच में। चलो भागो ना मीको। जैक, मीको को यहाँ से लेकर जाओ, जाओ। चलो आओ जल्दी करो। जाओ मीको। हम बल्कहेड को अकेला नहीं छोड़ सकते। अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं। आरसी उसे बचा लेगी है ना? अगर हम दोनों यहाँ से नहीं निकले तो मेगाट्रॉन चट्टानों से निकलकर हम तक पहुंच जाएगा। क्या मेगाट्रॉन भी यही है? अगर तुम चाहते हो कि मैं रहम की भीख मांगू तो फिर भूल जाओ। रहम की भीख मांगोगे तो बहुत मजा आएगा, वैसे तुम्हें जिंदा रखने में ज्यादा फायदा है। सोचो मेगाट्रॉन कितने खुश होंगे जब मैं उन्हें बचाने के साथ एक ऑटोबॉट भी भेंट करूंगा। फिर तो मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। बिल्कुल मत हिलना स्टारस्क्रीम। हाय बल्कहेड। हाय आरसी। हाथ ऊपर करो। हम उसे खत्म कर सकते हैं इसी वक्त। काश मैं थोड़े बॉम्ब लाया होता।
क्या ऑप्टिमस उसे खत्म करते? नहीं, शायद नहीं करते, इन हालात में तो नहीं। लेकिन ऑप्टिमस उसे बचाते भी नहीं है ना। चलो घर चले। मास्टर, आप जिंदा हैं। शुक्र है आप सलामत हैं। मैं पीठ दिखाकर नहीं भागा था मास्टर, मैं वापस आपको बचाने आया हूँ। मुझे बचाने? मेरी बात का यकीन कीजिए मास्टर, मेरी नीयत साफ है मास्टर, मुझ पर रहम कीजिए।